सो जो आप ये लाल कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज नन अदर देन एनएसआईटी। सो ये ऐसी ही रहने वाली है परमानेंट, मतलब जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कोई और डेवलपर आएगा और इसको बढ़ा के एकदम हमारे घर के अंदर घुसा देगा, नहीं, ये नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा सेम अमाउंट में, आपको धूप मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, बी आर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग 2 BHK फ्लैट होने वाला है द्वारका NSIT कॉलेज के एकदम जस्ट बैक साइड में और बहुत ही कम डिस्टेंस पे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से, मात्र 500 से 700 मीटर। अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सरकारी बिजली, सरकारी पानी और IGL की गैस की लाइन भी यहाँ पर आ चुकी है, जो एक बहुत ही अमेजिंग प्लस पॉइंट मिलने वाला है। आपको पता है सेवक पार्क पूरे उत्तम नगर के अंदर काफी जाना माना और काफी अच्छा एरिया माना जाता है। वेगस मॉल जो नजदीकी हमारा बहुत बड़ा और द्वारका का सबसे जाना माना मॉल है, वो यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। एयरपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ से आपको मिलेगा एयरपोर्ट से 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, और गुड़गांव से डायरेक्ट कैब आपको पिक करेगी, होम पिक होम ड्रॉप, बहुत ही चौड़े चौड़े रोड मिलने वाले हैं आपको, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, कोई ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत प्यारे से आप यहाँ से कम्यूट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से फ्लैट को बनाया गया, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, बैक साइड का फ्लैट होने के बावजूद इतना अमेजिंग व्यू आपको किसी फ्लैट में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको ज्यादा बड़ा चढ़ा के ना बोलूं तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, फ्रंट से अच्छा व्यू आपको इस फ्लैट के बैक में मिलेगा। को कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, द डे यू विल विजिट आपको खुद पता लगेगा कितना अच्छा और कितना अमेजिंग व्यू आपको इसकी बालकनी में मिलने वाला है। अगर मैं प्रॉपर्टी की एज की बात करता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रीसेल की प्रॉपर्टी है, ये कहने को ही 2 साल पुरानी प्रॉपर्टी है दोस्तों। जब आप देखोगे ना, इतने अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है प्रॉपर्टी, सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पे रहते थे, एक बहुत अच्छे से रहने वाला कपल, बहुत प्यारे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। विजिट करोगे आपको एकदम नया फ्लैट लगेगा, एकदम नया। तो दोस्तों सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फ्लैट का गो थ्रू। मैं आपको बहुत अच्छे से और जल्दी से एक अच्छा सा गो थ्रू दे देता हूँ और डिटेल में और बाकी चीजें बता देता हूँ। तो जैसे ही हम पार्किंग से ऊपर आएंगे, जो आपने अभी देखा कितना अच्छा स्पेस मिला हुआ आपको गाड़ी पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग का, जैसे ही आप लिफ्ट से निकलेंगे आपको 3.5 फिट चौड़ा जीना मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप आ सकते हैं, ग्रीन नेट लगा हुआ है जीने के ऊपर भी, SS की रेलिंग लगी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों जैसे ही हम आ जाएंगे, ये होने वाली हमारी लिफ्ट लॉबी कह लीजिए या फिर स्टेयरकेस लॉबी। मैं आपको बता देता हूँ सिंगल फ्लोर के ऊपर 2 यूनिट बनी हुई हैं, सो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कंजेस्टेड मिलेगा एरिया, बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई हैं, बहुत कम और बहुत नॉमिनल यूनिट्स बनी हुई हैं एक फ्लोर के ऊपर। जैसे ही हम अंदर आएंगे, ये होने वाली हमारी एंट्रेंस। एंट्रेंस में आपको सेफ्टी डोर मिल रहा है, सेफ्टी डोर के साथ आपको वुडन डोर मिल रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा वेल लेमिनेटेड वुडन डोर मिल रहा है। हम एंटर करेंगे और एंट्री करने के बाद दोस्तों ये होने वाला है हमारा लिविंग हॉल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा फ्लैट का ओरिएंटेशन कैसे रहने वाला है। सो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ईस्ट फेसिंग एंट्री है हमारी, बहुत अमेजिंग एंट्री मानी जाती है ईस्ट फेसिंग से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करते के साथ ही लिविंग हॉल में आएंगे। लिविंग हॉल में आने के बाद मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे एक रूम रहने वाला है, राइट हैंड साइड में मेरे एक रूम रहने वाला है, और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के रूम के साथ हमारा किचन रहने वाला है। इस तरीके का ओरिएंटेशन होने वाला है और लास्ट में हमारा बालकनी रहेगा। 2 BHK का फ्लैट है, 65 गज के अंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा साइज है 65 गज, कभी एक छोटा साइज नहीं माना जाता किसी भी 2 BHK फ्लैट के लिए, आप भी मानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लिविंग हॉल के बारे में बता देता हूँ। हमारा लिविंग हॉल जो रहने वाला है 16x9 का साइज, हाँ जी 16x9, सही सुना आपने, इतना अमेजिंग साइज के अंदर आपको लिविंग हॉल मिलेगा। जैसे हम एंटर करें आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीटर सोफा लगाने के बाद, सेंटर टेबल लगाने के बाद भी हमारे पास कितना एम्पल स्पेस बचा हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं।
उसी के बाद सबसे पहले फ्लोर पे देखिए आपको डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगी। जैसे ही आप हल्का सा ऊपर आते हैं, व्हाइट कलर से पेंटेड वॉल्स हैं, आप देख सकते हैं स्पॉटलेस वॉल्स हैं, एक दाग नहीं मिलेगा आपको, एक कील का छेद नहीं मिलेगा। मतलब कौन कह सकता है यार, ये 2 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि डिस्पाइट बींग 2 ईयर ओल्ड इतना अमेजिंग फ्लैट होने वाला है ये। हल्का सा आप इधर आएंगे, आप देख सकते हैं आपको कितना अच्छा सा एक ईस्ट फेसिंग आपको मंदिर मिल रहा है, ईस्ट के ऊपर प्लेस किया हुआ, जो कि बहुत जरूरी है। एज पर वास्तु जो आपका मंदिर होना चाहिए वो ईस्ट साइड में होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको प्रॉपर फुलफिलमेंट मिल रही है। लास्ट जो वॉल होने वाली है हमारी एक्सटेंड वॉल, आप कह सकते हैं इसको कंसिडर कर सकते हैं। टीवी पैनल साइज देखिए, 50 इंची का टीवी लगाने के बाद भी आपके पास कितना अच्छा सा स्पेस बच रखा है, बहुत बड़ा टीवी साइज है और स्टोरेज मिला हुआ है हमें, लेमिनेटेड है, प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। टीवी पैनल आपने देख लिया, चौथी वॉल के ऊपर है। उसी के बाद लास्ट है जो हमारा रूफ, एक बार ही देखिए कितना अमेजिंग रूफ मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा सा व्हाइट कलर से पेंटेड रूफ है, क्योंकि वॉल्स हमारी हैं पर्पल कलर का, सिर्फ थोड़ा सा आपको डिजाइन मिलेगा जो कि उस व्हाइट कलर की ब्यूटी को एनहांस करेगा। इतने अच्छे फॉल्स सीलिंग डिजाइन के साथ कंसील लाइट, कोव लाइट और फैंस प्री इंस्टॉल्ड, सब कुछ मिल रहा है आपको उसी के अंदर। उसी के साथ चलते हैं हमारा किचन पार्ट। दोस्तों लिविंग हॉल मैंने आपको दिखा दिया कितना स्पेशियस था, सिमिलरली आप किचन भी देखिए, 8 फीट लंबा किचन मिलने वाला है हमें। सबसे पहला पार्ट जो मैं हर किचन के अंदर आपको बताता हूँ, दैट इज स्पेस। स्पेस बहुत अच्छा है, 2 BHK होने के बावजूद 8 फीट लंबा किचन मिल रहा है आपको, 5 फीट चौड़ा किचन है। सबसे पहला ग्रेनाइट मार्बल स्टोरेज के लिए आप देख सकते हैं, SS की फिटिंग के साथ आपको मॉड्यूलर किचन मिल रहा है। उसी के बाद ऊपर अगर हम बात करते हैं तो स्टोरेज के अंदर सारा हाइड्रोलिक्स है, वो भी बेस्ट इन क्लास, अगर आप कह सकते हैं कि जो इस रेंज के अंदर जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है उनको यूज करके ये ओनर ने खुद ने बनवाया है, बिल्डर ने नहीं बना के दिया। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि ओनर ने अपने लिए बनाया था तो ये काफी अच्छा और काफी मजबूत तरीके की प्रोडक्ट्स को यूज करके बनाया है। उसी के साथ चिमनी प्री इंस्टॉल्ड है कलेना की, वॉशिंग एरिया आपका एकदम सेपरेट है, कुकिंग एरिया आपका एकदम सेपरेट है, आप देख सकते हैं। उसी के साथ इलेक्ट्रिकल पैनल आप देख सकते हैं, यहीं से आप मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं, और वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई है ताकि गंदगी का कोई चांस नहीं मिलेगा। एंड लास्ट पार्ट इज स्टोरेज, आपको यहाँ पे भी मिलेगी ओवरहेड स्टोरेज, स्टोरेज में आपको किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आने वाली है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था वो ये रहा दोस्तों, मैंने आपको बताया था IGL की गैस पाइपलाइन आपको इधर मिलने वाली है, जो कि एरिया में आ चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी क्वेरीज के अंदर मेरे पे आता है IGL की गैस लाइन है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको वो मिल रही है। डेडिकेटेड हमारा रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, उसी के ऊपर आप देख सकते हैं माइक्रोवेव के लिए कितना प्यारा सा डेडिकेटेड स्पेस दोबारा बना दिया है, और ऊपर हमारा क्रॉकरी के लिए स्टोरेज है। व्हाट एल्स यू वांट, सब कुछ मिल रहा है आपको इसी के अंदर। इसी के साथ चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर और हमारे कॉमन वॉशरूम की ओर, जो कि लिविंग हॉल और हमारे बेडरूम के लिए कॉमन रहने वाला है। सो जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये होने वाला है हमारा बेडरूम नंबर 1। 9x11 का आपको रूम साइज मिल रहा है, जो कि बहुत अमेजिंग रूम साइज माना जाता है। सबसे पहले एक्शन वॉल दिखेगी आपको, बहुत प्यारा सा कलर है ब्लू कलर, इतना सूदिंग कलर है लाइट कलर के अंदर। ब्लू वॉल्स है हमारी व्हाइट कलर से पेंटेड बाकी सारी, सो आपस में दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नीचे देखेंगे डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगी। एंड द लास्ट पार्ट इज रूफ, रूफ देख सकते हैं आप कितना अच्छा डिजाइन मिल रहा है हमारे को। एंड वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं विंडो है, उसके ऊपर लगा हुआ AC है, जो एक प्रोविजन मिल रहा है आपको। और एक बेड लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बड़ा स्पेस हमारे पास खाली है। जैसे हम यहां से आगे आएंगे, ये होने वाला हमारा बालकनी स्पेस। 2 BHK फ्लैट के अंदर 3.5 फीट लंबी बालकनी है, बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रखी है, पीछे इतना बढ़िया ये बना रखा है। अब मैं आपको सबसे अमेजिंग बात बताता हूँ, पहले आपको इस फ्लैट की क्या होने वाली है। मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, इतने अच्छे से मेरे चेहरे के ऊपर धूप आ रही होगी, आप देख सकते हैं प्रॉपर धूप रहती है इधर। ऐसी धूप आपको फ्रंट फेसिंग फ्लैट्स में नहीं मिलती, जो आपको यहाँ पे बैक फेसिंग में मिल रही है। और इतना अच्छा खासा गैप आप देख सकते हैं, 20 फीट लंबा गैप आपको मिल रहा है प्रॉपर। सो व्यू देखिए कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है उस बालकनी के ऊपर से, आपको सनलाइट प्रॉपर है, ऊपर एकदम पूरा आकाश दिख रहा है आपको बढ़िया से। सो जो आप ये लाल कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज नन अदर देन NSIT। सो ये ऐसी ही रहने वाली है परमानेंट, मतलब जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कोई और डेवलपर आएगा और इसको बढ़ा के एकदम हमारे घर के अंदर घुसा देगा, नहीं, ये नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा। सेम अमाउंट में आपको धूप मिलती रहेगी थ्रू आउट योर लाइफ, तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि NSIT इतनी जल्दी नहीं दोबारा 4 मंजिल और ऊपर बनाने वाला है। गार्डनिंग के लिए कितने अच्छे से स्पेस को यूज कर सकते हैं, कपड़े सुखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सी धूप आती है इधर। यहाँ पर है हमारे को जो टैप मिला हुआ है, अगर आप इसको वॉशिंग एरिया बनाना चाहते हैं तो वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। टैप है, इलेक्ट्रिकल सर्किट लाए, वॉशिंग मशीन इधर लगा दी, ये रहा इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा। सो आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद द लास्ट पार्ट इज वॉशरूम, जो हमारा रहने वाला है कॉमन। सो दोस्तों ये होने वाला है हमारा कॉमन वॉशरूम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला वॉशरूम हमारे को कॉमन मिलने वाला है।
उसके ऊपर कितना अच्छा सा टाइल का डिजाइन बना रखा है, बहुत प्यारा सा लाइट लाइट कलर का कॉम्बिनेशन है जो कि देखने में बहुत सिंपल सटल एलिगेंट लगता है। ठीक है, डेडिकेटेड बेथिंग जोन है, शार मिक्सचर और टैप एसएस की फिटिंग के अंदर बढ़िया सी क्वालिटी के अंदर आपको वो मिल रखा है। वहां पे डेडिकेटेड बेथिंग जोन है, उसी के साथ कॉर्नर लगा रखे हैं। यूटिलाइजेशन देखिए कितना अच्छे से कर रखा है, कॉर्नर शेल्व्स है हमारे पास। हैंड वॉश एरिया हमारा एकदम सेपरेट होने वाला है, जो प्रॉपर है शीशा लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है। द लास्ट पार्ट इज पॉट एरिया। पॉट एरिया देखिए कितना स्पेशियस है, आपको उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस क्रंच नहीं दिखेगा। बैठने के बाद आपको बिल्कुल भी घुटन नहीं होगी, एकदम सफोकेशन नहीं होगी। एंड जैसे ही ऊपर आएंगे आपको एक स्टोरेज और दे रखा है। इतना सारा वुडन वर्क ऊपर से करा हुआ है इस फ्लैट के अंदर, आपको किसी पूरी बिल्डिंग के अंदर किसी भी और फ्लैट के अंदर इतना सारा वुडन वर्क नहीं मिलेगा। स्पेस अच्छा था, सब कुछ वेल मेंटेन तरीके से लगा रखा था। लास्ट पार्ट इज वेंटिलेशन, वो ये देखिए आप कितना अच्छा वेंटिलेशन दे रखा है आपको वॉशरूम के अंदर। सो एक तरीके से जो भी बेसिक चीजें हैं सारी कवर्ड है इस वॉशरूम के अंदर। ये हमारा एक बेडरूम के लिए और एक वॉशरूम के लिए कॉमन वॉशरूम होने वाला है। मैं आपको दोस्तों मोस्टली सारा कॉमन पार्ट दिखा चुका हूँ, द लास्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज हमारा मास्टर बेडरूम। चलिए अब उसकी ओर चलते हैं। सो दोस्तों ये होने वाला है हमारा मास्टर बेडरूम। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते ही उसके साथ में जो डोर था ये हमारा मास्टर बेडरूम का डोर होने वाला है। मेन डोर से एंट्री करते लेफ्ट के अंदर। सो जैसे हम इसके अंदर एंट्री करेंगे ये आपको मिलेगा हमारा मास्टर बेडरूम। लुक एट द साइज, 14 बाय 9। हाँ जी, पहला जो बेडरूम था 11 बाय 9 था, ये 14 बाय 9 का साइज, 14 बाय 9 का एक बेडरूम का साइज मिल रहा है दोस्तों आपको। सो दोस्तों साइज आपने देख ही लिया है कितना अमेजिंग है। साइज के बाद होता है कि उस बेडरूम से वाइब कितना अच्छा है, और आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का आपका क्या कहते हैं इतना बढ़िया एक्सेंट वॉल है, उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ हमारा बेड के ऊपर शीट है और मेरी शर्ट है। यू नो मेरे को पता था मैं ये शूट करने वाला हूँ इसलिए पहन कर आया हूँ। ओके, सो फ्लोर के ऊपर आपको डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स मिल रही है, व्हाइट कलर से पेंटेड वॉल। इजंट इट अमेजिंग यार, आजकल के टाइम पे बिल्डर फ्लोर के अंदर व्हाइट कलर की कलर स्कीम कहाँ देखने को मिलती है। मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने फ्लैट को विजिट किया था ना, मैंने ओनर को खुद बताया, मतलब लिटरली आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्होंने खुद ने ये मतलब वॉल्स को दोबारा रीपेंट करा व्हाइट कलर के अंदर, जस्ट बिकॉज उनको ज्यादा कलरफुल वॉल्स नहीं पसंद थी। मतलब ये मेरी वाली सोच थी जो उनके अंदर थी, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। एंड लास्ट पार्ट इज स्टोरेज, आपको देखो कितना अच्छा स्टोरेज मिल रहा है। 1, 2, 3 पैनल इधर है, 3 ऊपर है, 1 ओवर हेड इधर है। मैं आपको बता ही रहा था कि कितना सारा वुडन वर्क, कितना सारा स्टोरेज आपको फालतू में मिल रहा है। ठीक है, उसी के साथ ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। आपको लग रहा होगा कि इस पे है, इस पे ड्रॉर है, इस पे ड्रॉर है, ना इस पे कोई हैंडल है, ना डोर नॉब है, क्या चीज़ यार ये क्या बना दिया है। सो देखिए ये है एक बहुत ही अमेजिंग चीज़। हाँ जी, पहली बार देखी है मैंने एक इन्वर्टर के लिए डेडिकेटेड स्पेस जो कि मूवेबल रहने वाला है। आपको अभी तक जब तक तो मैंने ये दिखाया भी नहीं था ना, आपको पता भी नहीं होगा कि किस चीज़ के लिए स्पेस को यूज़ किया हुआ है। इतना काम कौन, मेरे को भी नहीं पता था। इनफैक्ट जब मैं शूट कर रहा था मेरे को उन्होंने बताया कि एक बार प्लीज़ अगर आप चाहो तो इसको भी शूट कर सकते हो। मैं कहा ये तो बिल्कुल मस्त गो देंगे शूट करने के लिए। सो देखिए कितना अमेजिंग और कितने अच्छे से वेल मेंटेन करके स्पेस को यूटिलाइज किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारा काम ओनर ने दोबारे करवाया है जो बिल्डर से उसको नहीं मिला था। सो ये सब चीजें आपको आप कह सकते हैं कि फ्रीबीज मिल रहे हैं अलोंग विद द फ्लैट। आप सिर्फ फ्लैट का प्राइस पे करेंगे और आपको ये सब फ्रीबीज मिलेंगे। एंड उसी के साथ एक और स्टोरेज, कितना स्टोरेज है यार, बहुत सारा स्टोरेज है, तभी हमारे को ये फ्लैट इतना खाली खाली लग रहा है। पता आपको ये होने वाला है हमारा शाफ्ट का पार्ट। मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ लेकिन आप समझ जाइए कैसे यूज करना है इसको। आप इसी के अंदर आपको मिलेगा हमारा वॉशरूम अटैच्ड। तो ये होने वाला हमारा वॉशरूम, अभी एज अ स्टोरेज यूज कर रखा है क्योंकि दो ही जने इसके अंदर आप रहते हैं। तो आप देख सकते हैं 8 बाय 4 का वॉशरूम साइज है, 8 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है। वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं विद पॉट देखिए वेस्टर्न स्टाइल के अंदर। डेडिकेटेड हैंड जोन है और वॉशिंग बेथिंग एरिया आपको डेडिकेटेड और सेपरेट मिल रहा है। बहुत अच्छा कंबाइंड और क्लब्ड वॉशरूम है आपके अंदर, अगर आप यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हैं। ये होता हमारा मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फ्लैट। आपने देखा आज के फ्लैट के अंदर हमारे पास पार्किंग था, 2-व्हीलर 4-व्हीलर, बहुत अच्छे साइज के अंदर 2 BHK फ्लैट बना हुआ था, लोकेशन बहुत अच्छी थी और सब कुछ था जो एक अच्छे 2 BHK फ्लैट के अंदर होना चाहिए, नए फ्लैट के अंदर होना चाहिए, वो सब कुछ था इस रीसेल वाले फ्लैट के अंदर। सो अगर आपको इस फ्लैट के रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो तो आप ऊपर लिखा हुआ फ्लैट को नोट डाउन करके नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया, टाटा।